मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र मदीना चौक पर जिला चिकित्सालय में संविदा कर्मी एक आयुष डॉक्टर एहतमाम बेबी द्वारा स्काई नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था, जिसमें 24 दिन पूर्व 16 जुलाई 2020 को नर्सिंग होम में भर्ती गर्भवती महिला अंजलि की प्रसव के दौरान डॉक्टरनी की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत हो गई थी। मौत के बाद डॉक्टरनी सहित स्टाफ फरार हो गया। महिला की शिकायत पर छापा मारने आए अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद पवार द्वारा अवैध नर्सिंग होम को सील कर दिया गया था। पीड़ित महिला अंजलि का कहना है कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन जिस दिन प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती होना था उसी दिन एक आशा कार्यकर्त्री राजमीता द्वारा अंजलि को अच्छे इलाज का प्रलोभन देकर स्काई नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां प्रसव के दौरान उसको अपने नवजात बच्चे के हाथ धोना पड़ा था। अंजलि के पति रोहित द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र नगर मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया था, लेकिन आज तक भी डॉक्टर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिलाओं को अपने बच्चों को खोने का गम है, वहीं पिछले 24 दिनों से न्याय की आस भी लगाए बैठी है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला श्रीमती अंजलि ने क्या कहा, सुनिए। अंजलि, क्या हुआ था स्काई नर्सिंग होम में? तुम्हें कहाँ, किसने एडमिट किया था और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आशा ने करवाया था। कौन थी वो आशा? राजनीता थी वे। अच्छा। हम सरकारी अस्पताल में गए, हमें फोन करके बुलाया उसने कि हम पहले तो हमने रिपोर्ट लेकर उसने फोन करके हमें वहाँ नर्सिंग होम में बुला लिया। अच्छा। तो वो कहने लगी कि भर्ती करेंगे, तो मैंने कहा मुझे भर्ती नहीं होना, तो उन्होंने जबरदस्ती हाथ खींच के मेरा जबरदस्ती भर्ती करवाया। इतना मेरे घर वाले नहीं गए थे, सारे हम थे और एक लड़की और थी। मुझे कहाँ पे भर्ती कराया तुम्हें? नर्सिंग होम। क्या नाम था उस नर्सिंग होम का? स्काई नर्सिंग होम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जबरदस्ती भर्ती करवा दिया, उन्होंने जबरदस्ती इंजेक्शन लगाते फिरे मेरा कुछ नहीं हुआ, बोतल उन्होंने चढ़ाई। फिर रात को उन्होंने जबरदस्ती जैसे भी करा, जो भी करा उन्होंने, तो कह दे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है उस डॉक्टर ने। तो किसकी लापरवाही मान रहे हो? डॉक्टर ने की हरासत। तो किस तरह का माहौल था उस नर्सिंग होम में? क्या किस तरह की सुविधाएं थी? किसी चीज की कोई सुविधा नहीं थी। फिर तुमने कोई कार्यवाही की थी? हाँ। तुमने शिकायत जो की थी उसकी कोई जांच आई या कोई न्याय मिला तुम्हें इस मामले में? नहीं, अभी तो नहीं। क्या चाहती हो तुम, बताओ? साथ ही डॉक्टर अरविंद पवार ने क्या कहा, सुनिए। नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद पवार, एडिशनल सीएमओ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्या मामला है सर? ये मामला आज हमारे पास एक वो आई शिकायत पत्र रोहित के द्वारा कि उसकी पत्नी कल यहाँ भर्ती हुई, जिसको एक आशा हमारे ही स्वास्थ्य विभाग की, जिसका नाम रत्नागिरी है, क्या नाम है? राजनीता है। वो इसको पटापटू के यहाँ ले आई और इसके यहाँ डिलीवरी कराई, जबकि यहाँ डिलीवरी का कोई इस तरह का कोई ऐसा साधन नहीं, ना कोई पीडियाट्रिशियन है, ना कोई है कि जिस बच्चे को वो देखा जा, उसमें उस बच्चे की डेथ हो गई। और उसकी डेथ होने के बाद हमारे पास शिकायत पत्र आया, तो हमने उसकी जाँच करने आए, तो ना तो डॉक्टर साहब हमारे फ़ोन करने पाए, ना वो यहाँ पर उपस्थित थे। और जो भी रिकॉर्ड हमने यहाँ से कलेक्ट करे, वो एक इनका मालिक वालिक है, क्या है, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो हमारे से छीन के भाग गया। जब हमारे रिपोर्टर ने डॉक्टर रविंद्र कुमार से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, आपका नाम और किस पद पे आसीन है आप यहाँ? मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, यहाँ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक निदानी अधिकारी मुजफ्फरनगर जनपद में तैनात हूँ। रजिस्टर्ड है स्काई नर्सिंग होम के नाम से, बता रहे हैं आप, है ना? तो स्काई नर्सिंग होम के नाम से तो हमारे यहाँ कोई नर्सिंग होम जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, आयुष के डॉक्टरों को क्या अधिकार दिए गए हैं? क्या वो अपना नर्सिंग होम इस तरह से चला सकते हैं? आयुष के डॉक्टर क्लिनिक भी चला सकते हैं, नर्सिंग होम भी चला सकते हैं। नर्सिंग होम की जो सेवा शर्तें हैं उनको पूरी करने के बाद में हमारे यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर वो नर्सिंग होम चला सकते हैं। वहाँ उनको एक पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करना होता है, जिसमें स्टाफ नर्स होती हैं। वो हमारे आयुर्वेदिक में भी स्टाफ नर्स की एक ट्रेनिंग होती है, उससे ले सकते हैं, या एलोपैथिक डिपार्टमेंट की भी कोई स्टाफ नर्स अगर कोई चाहे उनके यहाँ जॉब करना तो कर सकती है। तो जिस तरह से नर्सिंग होम चलाया जा रहा है कि आपसे बात करें,
तो क्या उस नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन होना आपके यहाँ अनिवार्य था? किसी भी क्लिनिक का या किसी भी नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन होना हमारे कार्यालय में होना आवश्यक है। जो भी आयुष विधा या यूनानी विधा का है वो हमारे कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। एलोपैथ विधा का हमारे सीएमओ साहब के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, होम्योपैथी का जिला होम्योपैथिक अधिकारी के यहाँ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा ने क्या कहा, सुनिए। सर, कुछ दिन पहले एक स्काई नर्सिंग होम के नाम से अवैध रूप से चल रहा था, जिसमें एक इलाज के दौरान बच्चे की भी मौत हुई थी। उसमें कहां तक जांच पहुंची और सर जो टीम गई थी छापा मारने, उनके हाथों से कागज भी वहां से छीन के एक व्यक्ति द्वारा निकाला गया। उसके बारे में जांच चल रही है। वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, संभवतः उसका ये पता चल रहा है कि वो आयुर्वेदिक विभाग से ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन मेरे पास अभी कोई उसका कागज के कोई प्रमाण पत्र नहीं आए हैं। इसकी जांच अभी चल रही है और अभी कल ही ऐसा मेरे को सूचना मिली है। मेरे हाथ मेरे ऑफिस में भी वो डाक में दे गए हैं कि जो जिस बच्चे के साथ में अनहोनी घटना हुई थी और स्टाफ के साथ में उनके बीच में कुछ समझौता हो गया, जिसके बारे में वो कॉपी दे गए। अभी सारी पक्षों की बात सुनी जाएगी, इसके बाद में सोच लेंगे, लेकिन अभी सील लगी हुई है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगर विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वहाँ पर छापामारी अभियान चला गया था, पूरे नर्सिंग होम को सील किया गया था और जो अधिकारी यहाँ से छापा मारा गया था एडिशनल सीएमओ द्वारा, वहाँ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जब्त किए थे वहाँ से वो छीन के भी उनके हाथ से भाग गए थे। क्या इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं। नहीं, कागज तो छीने गए थे सर, ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं। नहीं, ये आपके संज्ञान में है? हाँ, संज्ञान में है, लेकिन ऐसे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो विभागीय कार्यवाही भी नहीं की गई? अभी कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। अभी तो जो कागज पत्र मांगे गए थे वो अभी आए नहीं है। सील विभागीय कार्रवाई यही तो है कि सील हो गई है, ये भी तो विभागीय कार्रवाई है। अच्छा, ये तो माना जा रहा है कि आप ही के विभाग में वो डॉक्टर कार्यरत हैं? हाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक है, आयुर्वेदिक चिकित्सक ने उसका रजिस्ट्रेशन है, आयुर्वेदिक चिकित्सा में है और वो संविदा पे है, संविदा वाले नर्सिंग होम चला सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं। अच्छा, आयुष डिपार्टमेंट में उस नर्सिंग होम का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाया गया? ऐसा उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन है आयुष डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए हमने प्रमाण पत्र भेजा उन्हें कहने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास नहीं। आयुष का रजिस्ट्रेशन यहाँ से नहीं होता, इस विभाग से नहीं होता। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस